तो है फ्रेंड दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल MHKS मोबाइल इंजीनियर में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो आज हमारे पास फ़ोन है फ्रेंड नोट रेडमी का नोट 6 प्रो का, और जिसमें कि ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है आप लोगों को देखने को मिलता है MMC प्रॉब्लम, जो कि सैंडिस्क का MMC लगा हुआ होता है और MMC डैमेज हो जाता है। बोर्ड पूरा बिल्कुल फ्रेश दिखेगा आपको, कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं दिखेगा, बट उसमें अगर सैंडिस्क लगा हो तो इसका मतलब होता है कि उसमें डेड होता है ज़्यादातर सैंडिस्क का MMC। तो ये देख लीजिए, ये सैंडिस्क का MMC है और ये MMC डैमेज हो चुका है, और मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि MMC चेंज का प्रोसेस क्या होता है। ये देखिए, मैं सैंडिस्क टू सैमसंग लगाऊंगा और सैमसंग में जो MMC चेंज करूंगा लेटेस्ट फाइल से, MIUI 12 के लेटेस्ट अपडेट से, डायरेक्ट आप सिक्योरिटी रिपेयर हो चाहे जो हो, जैसे रिपेयर करना स्टेप बाय स्टेप, कैसे आपको डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल करना है, कैसे कौन सा कंफर्टेबल लेना है IC को, कैसे आपको कौन सी फाइल राइट करनी है, कैसे XCSD क्या राइट करना है, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे, और UEFI बॉक्स को हमने ओपन कर लिया यहाँ से। UEFI बॉक्स को ओपन करने के बाद आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको MMC कम्फर्टेबल होता है, कम्फर्टेबल लगाने के बाद MMC आपको यहाँ से रीड इन्फो लेना होता है, ठीक है। रीड इन्फो लेने के बाद आपको RPMB क्लीन होना चाहिए MMC, आपको सबसे पहला जो है RPMB क्लीन EMC चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेस क्या होता है इसका प्रोसीजर। सबसे पहले आपको कंफर्टेबल IC लेना है विथ RPMB क्लीन। आपको ये देख लीजिए, ऑथेंटिकेशन नोटेड प्रोग्राम, मतलब RPMB क्लीन है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, क्वालकॉम EXT CSD राइट कर देना, ठीक है। उसके बाद क्वालकॉम EXT CSD राइट करने के बाद MMC को बोर्ड में फिक्स कर देना, बस इतना सा ही UEFI का काम है। आप देख लीजिए 3 स्टेप जो आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट आपको कंफर्टेबल MMC लेना है RPMB क्लीन, उसके बाद सेकेंड स्टेप EXT CSD राइट करना है। आपका क्वालकॉम है, जो भाई रिपेयर कर रहे हैं उनको पता होगा एक्चुअली में क्वालकॉम ही है, तो क्वालकॉम का EXT CSD राइट कर देंगे। उसके बाद फ़ोन को MMC को बोर्ड में फिक्स कर देंगे, ठीक है। चलते हैं 4 स्टेप, आप देख लीजिए 4 स्टेप भी। उसके बाद डायरेक्ट हम MIUI 12 से फाइल को फ्लैश कर देंगे, फ़ोन को फ्लैश कर देंगे। तो चलिए पहले ये सारा कुछ दिखा दे रहा हूँ, और इसको करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे क्वालकॉम राइट होता है। फिर से मैं एक बार आइडेंटिफाई लेता हूँ और उसके बाद मैं दिखा देता हूँ। इसमें RPMB क्लीन है और कोई तरह की इसमें कुछ नहीं है। मैंने इसका हेल्थ रिपोर्ट सारा कुछ चेक कर लिया है। तो चलिए इसको क्या करना है, सबसे पहले RPMB क्लीन का IC ले लिए हैं, उसके बाद हम क्वालकॉम का जो है EXT CSD राइट कर देते हैं। सूरज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद क्वालकॉम राइट कर देंगे। राइट करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर इस वीडियो में आप फुल वीडियो देख लेते हैं तो 100% मैं लिख देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे क्वालकॉम राइट हो चुका है। फिर से आइडेंटिफाई लेता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको लास्ट तक 100% आप MMC चेंज करना, अगर नहीं भी जानते हैं तो 100% चेंज कर पाइएगा बिल्कुल ईजिली। ये देख लीजिए, यहाँ से क्वालकॉम का 0x38 क्वालकॉम राइट हो चुका है। और उसके बाद चलते हैं आगे कि क्या प्रोसीजर होता है इसका, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। इसके बाद UEFI को बंद कर देंगे और आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे क्या करना है। EXT CSD राइट करना है, करने के बाद आपको क्या करना है कि बोर्ड में फिक्स कर देना MMC को, बस इतना ही सा UEFI का काम। या तो इसके बाद UEFI से आप फ्लैश फाइल को राइट कर दीजिएगा, लेटेस्ट फाइल को। ये जो है मॉडिफाई फाइल होता है, ठीक है। ये मॉडिफाई फाइल के लिए आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा, या तो मैं फाइल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें पासवर्ड लगा हुआ होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना होगा हमारे व्हाट्सएप पे। तो चलिए फ़ोन को MMC को बोर्ड में फिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसीजर। यहाँ पर थोड़ा मैंने स्पीड प्ले कर दिया क्योंकि वीडियो, ये जो भी भाई MMC चेंज करने जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता ही है MMC कैसे चेंज किया जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे स्किप किया है और फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे किया है। तो मैंने MMC यहाँ पे फिटिंग कर दिया है थोड़ा सा,
तो चलिए फिर से यहाँ से करने के बाद हम चलेंगे, या तो UMT से आप कर लीजिएगा राइट, या तो UFI से, उसके बाद या तो ये देख लीजिए वही फ़ोन है, वही बोर्ड है सारा कुछ। यहाँ से हम फिर से इसको बोर्ड में फिक्स कर देते हैं। इसको लगाने के बाद, पूरा फिक्स करने के बाद आपको क्या करना होगा कि डेस्कटॉप में जाना होगा, और डेस्कटॉप में चलते हैं और इसको डाटा केबल राइट करने के लिए कई बार क्या होता है कि आप EDL से भी इसको कर सकते हैं, विदाउट EDL भी ये नोट 6 प्रो VDL कनेक्ट किए हुए भी ले लेता है। ये इसका EDL पॉइंट ये है, ये दोनों जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से इसका EDL पॉइंट है, विदाउट EDL का भी ये ले लेता है। तो ओनली फॉर डाटा केबल आपको कनेक्ट करना है, बैटरी निकाल के डिसकनेक्ट करके, या तो कई बार काम नहीं करता है तो बैटरी को भी लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ से फाइल राइट करने के लिए आपको यहाँ से आपको क्वालकॉम में जाना है। क्वालकॉम में जाने के बाद आपको फाइल इजीली यहाँ से राइट कर देना है। ये जो फाइल है हमारा मॉडिफाई फाइल है, तो आपको फाइल राइट करना आता ही होगा। तो फ्लैशर में जाना है, फ्लैशर में प्रोग्राम पे, फ्लैशर प्रोग्राम में क्लिक करने के बाद आपको फाइल यहाँ से इजीली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो देख रहे हैं फ्लैशर में जाना है, फ्लैशर में जाने के बाद प्रोग्राम में जाना है, प्रोग्राम में अंदर में जाके फाइल आपके पास मॉडिफाई फाइल आपको सेलेक्ट करना होता है, क्वालकॉम प्रो रॉ प्रोग्राम 0, ठीक है। EDL से हम यहाँ से कनेक्ट करके दिखाता हूँ, बट आप EDL से नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। कई बार EDL नहीं भी कनेक्ट कीजिएगा तो कोई दिक्कत नोट 6 प्रो में नहीं आता है, हमने देखा है ऐसा। पर मैं इसे टेस्ट करा देना, फिर उसके बाद निकाल के भी आपको दिखा दूँगा कि कैसे आपको विदाउट आपको काम करना है यहाँ पर विदाउट EDL का। ये देखिए यहाँ पर पोर्ट बना रहा है बट चला जा रहा है, तो हम क्या करते हैं विदाउट EDL का ही, ठीक है। ये डाटा केबल हमने निकाला, बैटरी कनेक्टर लगाया, उसके बाद डाटा केबल हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ से, और यहाँ पे देखते हैं पोर्ट बना रहा है या नहीं। अगर पोर्ट बनाता है तो डायरेक्ट हम यहाँ से फ्लैश करने का कोशिश करें। ये देखिए यहाँ पे पोर्ट बना चुका है बट ड्राइवर का इशू है, तो हम यहाँ से अपडेट करते हैं, आपको ड्राइवर का भी नॉलेज हो जाएगा। यहाँ से ये देख लीजिए, यहाँ से आप ड्राइवर इजीली इंस्टॉल कर पाइए। यहाँ से क्लोज करते हैं और ये देखिए पोर्ट बिल्कुल एरर का बना चुका है, और यहाँ से आप फ्लैश कर दीजिए तो फ्लैशिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो थोड़ा वेट करना होगा आप लोगों को, तो यहाँ से आपका मैं टाइम वेस्ट ना करूँगा और आपको यहाँ से थोड़ा सा वीडियो को जो है फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपका लोगों का जो कीमती समय होता है आपको बचाने का मैं कोशिश करूँगा, और आपको प्रोसीजर जो होता है वो भी पता चल पाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने फर्स्ट क्या करना है, ये देखिए हमारा फाइल राइट हो रहा है। फर्स्ट कंफर्टेबल UMC लेना है, कंफर्टेबल UMC लेने के बाद आपको क्वालकॉम का XT CST राइट कर देना है, उसके बाद UMC को बोर्ड में फिक्स कर देना है, उसके बाद मॉडिफाई फाइल जो ये होता है इसको आपको फाइल राइट कर देना, ठीक है। राइट करने के बाद फ़ोन आपका हो जाएगा ऑन, ठीक है। ये देखिए मेरा फाइल जो है राइट अब हो चुका है, ज़्यादा टाइम अब नहीं लगा। ये देखिए डन यहाँ से कर चुका है। यहाँ से हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपका यहाँ पे टाइम खाएगा। यहाँ से रीसेट का फ़ोन का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ से रीसेट पर क्लिक करना है और फ़ोन ऑटोमेटिकली आपका ऑन हो जाएगा, MIUI पे आ जाएगा, और उसके बाद थोड़ा वेट करना है आपको, 5 से 10 मिनट अप्रॉक्सीमेट ये लग जाता है, ठीक है। तो कई बार जल्दी भी हो जाता है, लेकिन 5 से 10 मिनट आपको वेट करना है। जब MIUI पे आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना। फाइल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और पासवर्ड आपको व्हाट्सएप से ले लेना होगा हमें, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। तो कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और भी इस पर आगे वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यह देखिए यहाँ पे MIUI 12 है, लेटेस्ट जो होता है एंड्रॉयड MIUI 12। बहुत सारे भाई को डुअल IMEI नंबर भी राइट करके दिखाऊंगा, इसमें डुअल IMEI नंबर कैसे इसमें काम करेगा सारा कुछ मैं इसमें इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप बने रहिए लास्ट तक, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँगा। यहाँ से ओके करते हैं। ये देखिए MIUI 12 पे जाने के बाद एक दोबारा, कई बार मेरे साथ अभी ये जो हुआ दोबारा हो गया, मैं यहाँ से फिर से नेक्स्ट करूँगा
और आगे करता हूँ, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, वीडियो जो है थोड़ा बड़ा बन गया, बट मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अबाउट में जाना है, ये देखिए MIUI 12 लेटेस्ट है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, MIUI 2 वर्जन जो देख रहे हैं इस पर 7 टैप करना है। 7 टैप करने के बाद डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ये जो हमें है सिक्योरिटी राइट करने का ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डेवलपर ऑप्शन में जाना है, डेवलपर में ऑप्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, USB डिबगिंग, ये जो देख रहे हैं USB डिबगिंग को यहाँ से इनेबल कर देना है। यहाँ से साइड में 3, 4, 2, 1 दिखा रहा है, यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से एक्सेप्ट जैसे कीजिएगा तो आपका जो है USB डिबगिंग यहाँ से इनेबल हो जाएगा, और यहाँ से जो है मैं आपको दिखाता हूँ UMT से ही कि आपको कैसे सिक्योरिटी इसका राइट करना है। और आपको QCN चाहिए होता है इसमें, तो आपको QCN भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहता है कि वीडियो आपको पसंद भी आता है तो आप कमेंट भी करके ज़रूर बताइए। ये मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है, और उसके बाद यहाँ से हम डाटा केबल कनेक्ट करते हैं, और हमें जाना है UMT में। ये देखिए मैं साइड से दिखा भी दे रहा हूँ डिवाइस मैनेजर भी, ताकि पोर्ट जो हमारा बनेगा, पोर्ट एरर भी आता है क्या, तो हमें जाना होगा सोमी फ्लैशर में, ठीक है। सोमी फ्लैशर में जाने के बाद इनेबल डाइक ADB इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा स्क्रीन को देखना है फ़ोन के स्क्रीन को, क्योंकि यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, आप देखते रहिएगा। ये देखिए इस पॉपअप को आने के बाद USB डिबगिंग अलाउ को जो आता है उसको ओके कर देना। तो एक बार में नहीं लिया तो हम दोबारा ट्राई करते हैं, क्योंकि ये अलाउ नहीं किया थी इसलिए ये नहीं लिया, तो ये फिर नहीं लिया। और अच्छा फिर से हो सकता है ड्राइवर थोड़ा ऑटोमेटिक अपडेट लेते रहता है इसका। ये देखिए ड्राइवर ऑटोमेटिक अपडेट लिया। फिर से मैं डाटा केबल डिसकनेक्ट करना, फ़ोन को कनेक्ट कर देना, ठीक है। फ़ोन को कनेक्ट करने के बाद फिर से आपको इनेबल डाइक पे क्लिक करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इनेबल डाइक पे क्लिक करना। ये देखिए फिर से नहीं लिया, हो सकता है ये ड्राइवर ही इंस्टॉलिंग कर रहा होगा, क्योंकि विंडो 10 वैसा कभी कभी होता है, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन ना ले। अगर 7 है तो थोड़ा जल्दी भी होता है, दिखाता भी है ADB ड्राइवर ले रहा है या नहीं ले रहा, तो इसमें कई बार हमें सिक्योरिटी राइट करने में नहीं लेता है, दिखाता नहीं है, ADB मोड में जगड़ जाता है, ठीक है। तो हम फिर से यहाँ से फिर क्वालकॉम मोड में जाएगा तो फिर वो दिखाएगा। यहाँ से फिर हम USB डिबगिंग इनेबल का ऑप्शन पर क्लिक, डिसकनेक्ट करना है डाटा केबल, फिर से लगाना है, इनेबल डाइक पोर्ट पे क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए फ़ोन लिख दिया, इसका मतलब ये USB डिबगिंग यहाँ से इनेबल कर देगा, नोट रूट फिनिश। ये देखिए यहाँ पे क्वालकॉम डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल हो चुका है। ये देख लीजिए यहाँ से ऑटोमेटिक ड्राइवर भी येलो कलर आ रहा था, बट यहाँ से अभी नहीं दिया, फिर से हमें ड्राइवर को अपडेट करना है। तो चलिए हम ड्राइवर को अपडेट करने भी आप लोग सीख पाइएगा। यहाँ से ओके करना है ऊपर आ जाके। अगर क्वालकॉम का ड्राइवर चाहिए तो मेरे वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल ईजी, वहाँ से फ्री है, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं। तो ये देख लीजिए यहाँ से हो गया, क्वालकॉम पोर्ट बना चुका है। उसके बाद हमें जाना है रीड एंड टूल में जाने के बाद रीस्टोर क्यूसीएन में जाने के बाद आप जहाँ फाइल रखे हुए हैं वहाँ आपको जाना है, QCN आपको चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और टेस्टेड QCN आपको दे दूंगा, जो कि हमने टेस्ट किया 100% जो कि वर्किंग है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। आपको एक ही लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे जाइएगा अंदर, ये देखिए टेस्टेड पर क्लिक करें, कोई भी आपको एक दूंगा जो आप क्लिक करके अंदर पे यहाँ से, ये देखिए जैसे हमने QCN सेलेक्ट किया, आपको डायग्नोस्टिक पोर्ट यहाँ पे आ रहा है। अगर डायग्नोस्टिक पोर्ट नहीं आ रहा होगा तो आपको वहाँ पे पोर्ट नहीं दिखेगा, तो आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको नीचे जाना है, आपको देख लीजिए 00 IMEI नंबर आएगा यहाँ, ठीक है। तो आपको जो IMEI नंबर ओरिजिनल वाला जो होगा स्टिकर पे जो होगा वही आपको डालना है, तो आपको अदर जो है आप लोग। तो ये देख लीजिए मैंने जो फाइल दिखाया था यहाँ पे, फाइल राइट करने के बाद डायग्नोस्टिक को इनेबल करना है, ओरिजिनल कॉल को राइट करना है IMEI नंबर, ठीक है। आप अगर फेक डालते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है, IMEI नंबर वर्क नहीं करेगा, नेटवर्क नहीं आएगा। तो आप लोग जो जेन्युइन है, ओरिजिनल है, वही डाले। हमारे पास ओरिजिनल बिल और डब्बा था तो हमने ये डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, पेस्ट कर देना, कॉपी करना है, पेस्ट कर देना, ठीक। उसके बाद जो यहाँ से ओके कर देना है,
आप जो ओके का बटन देख रहे हैं यहाँ से ओके, ठीक है। ओके जैसे करते हैं तो यहाँ से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से रीडिंग की से सर्चिंग जैसे कुछ कर रहा है तो थोड़ा देर में ये डन लिख दिया है यहाँ पे। बस जस्ट आपको मैं वीडियो एडिट वगैरह कट करके यहाँ से नहीं दिखा रहा हूँ कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, वहाँ से डन लिख दिया है। तो चलिए फ़ोन को मैं दिखाता हूँ, मैं उस समय ना एमी नंबर नहीं दिखा पाया था इसलिए मैं पहले दिखा दे रहा हूँ, बाद में रिस्टार्ट करूँगा। ये देखिए मैं आपको एमी नंबर दिखाने का कोशिश करता हूँ, ये देख लीजिए स्टार हैच 06, ये देखिए यहाँ पर एमी नंबर अनेबल टू गेट एमी नंबर, ठीक है। तो हमने राइट कर दिया है बट फ़ोन को रिबूट नहीं किए इसलिए ऐसा नहीं आ रहा है आईएमई नंबर। तो हम फ़ोन को चलिए रिबूट कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें जो आईएमई नंबर था वो आता है या नहीं, ठीक है। तो अब वीडियो पे बने रहे, अगर वीडियो आपका पसंद आता है और लेटेस्ट जैसे कि हमने फाइल से आपको MMC चेंज करके बताया तो वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको जो ये प्रॉब्लम आ रहा हो तो बिल्कुल वो इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो अगर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि उसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैं वहाँ भी बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ और जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये देखिए हमने यहाँ से रिबूट कर दिया और रिबूट हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगता है रिबूट होने में यहाँ पे। और अगर इसको MMC चेंज पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें और भी वीडियो चाहिए MMC चेंज पर। ये देखिए एंड स्टार 06 है, जैसे हम डालें यहाँ से IMEI नंबर मेरा शो कर चुका है, कोई तरह की दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, आप लोगों का साथ इस वीडियो में था इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये आप देख लीजिए सेम वही बोर्ड है, कहीं कोई तरह की दिक्कत में चेंजेस वगैरह कुछ भी नहीं किया हूँ। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।